लगातार 2 दिन से मार्केट में काफी ज्यादा दबाव देखने को मिला था, लेकिन आज मार्केट थोड़ा सा ठहरता हुआ देखने को मिला। लेकिन आज जो सबसे ज्यादा मार्केट में स्टेबिलिटी देखने को मिला है, इट मींस कि मार्केट ने जो सबसे ज्यादा सपोर्ट किया है, जी हाँ, मिड कैप स्टॉक्स ने सबसे ज्यादा सपोर्ट किया है। और आज के दिन अगर हम देखें तो मिड कैप स्टॉक्स में पैसा ज्यादा बनता हुआ देखने को मिला है। अगर देखोगे तो स्मॉल कैप इंडेक्स और लार्ज कैप इंडेक्स से भी ज्यादा यहाँ पे मूवमेंट मिड कैप इंडेक्स में देखने को मिला, और वाकई में इसका असर मिड कैप म्यूचुअल फंड में देखने को मिला है। अगर मैं पिछले 5 दिन का आंकड़ा देखूं तो पिछले 5 दिन में स्मॉल कैप ने 0.061% का यहाँ पे रिटर्न दिया है। बीएससी स्मॉल कैप 250 है, वहीं पे अगर बीएससी मिड कैप की बात करूं तो यहाँ पे 0.89 की पिछले 5 दिन में लार्ज कैप के इंडेक्स में नुकसान देखने को मिला है, जबकि मिड कैप और स्मॉल कैप यहाँ पे इंडेक्स गिरता हुआ नहीं देखने को मिला है। जैसे कि अगर मैं बीएससी स्मॉल कैप की बात करूं तो 1% का छलांग लगाता हुआ देखने को मिला। अगर मैं 250 इंडेक्स निफ्टी स्मॉल कैप की बात करूं तो यहां पे भी 1% के ऊपर का छलांग लगाता हुआ इंडेक्स देखने को मिला। अगर मैं यहां पे निफ्टी मिड कैप 150 की बात करूं तो यहां पे 1.50% का छलांग लगाता हुआ इंडेक्स देखने को मिला। वैसे ही निफ्टी मिड कैप 50 में 1.39, निफ्टी मिड कैप 100 में 1.52 का यहां पे आज तेजी देखने को मिला। इट मीन्स कि अगर देखा जाए तो स्मॉल कैप, लार्ज कैप और मिड कैप में मिड कैप ने आज ज्यादा मार्केट को सपोर्ट किया है। लेकिन पिछले 2 दिनों से कई ऐसे इन्वेस्टर थे जिन्होंने 40,000 50,000 का लमसम किया, स्पेशली मिड कैप और स्मॉल कैप में। लेकिन अगर मैं जो भी गिरावट हुआ है अगर आप देखोगे तो मिड कैप और स्मॉल कैप में गिरावट नहीं देखने को मिला है, ना के बराबर है। ऐसे में आपको गिरावट का जो है मिड कैप और स्मॉल कैप में बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, इन लमसम का आपने इन्वेस्टमेंट किया है, लंबे समय में वहां पैसा जरूर बने। जो भी इन्वेस्टर ये सोच रहे थे कि एनएवी में यहाँ पे कम से कम 2-4% का डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, मैं यहाँ पे लमसम कर रहा हूँ तो मैं बता दूं कि ऐसा नहीं है। जी हाँ, मिड कैप और स्मॉल कैप के इंडेक्स में काफी ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिला है। ऐसे में अगर जो भी इन्वेस्टर यहाँ पे बहुत बड़ा लमसम स्पेशली मिड कैप और स्मॉल कैप में किए होंगे, उनको छोटे ड्यूरेशन में बहुत बड़ा प्रॉफिट देखने को नहीं मिल सकता है। हाँ, लार्ज कैप में कुछ गिरावट, एक वैल्यूएबल लमसम करने के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है। अब मार्केट यहाँ पर स्टेबल हो गया, हो सकता है कि कोई ऐसे स्टॉक्स निफ्टी 50 का जिसमें क्वार्टरली रिजल्ट कुछ पुअर हो, तो वैसे स्थिति में मार्केट में और दबाव देखने को मिल सकता है। ऐसा भी हो सकता है ठीक इसके अपोजिट, अच्छा परफॉर्मेंस हो तो मार्केट में यहाँ पे तेजी भी देखने को मिल सकता है। तो आपको तैयारी करके रहना है, गिरावट अच्छा खासा हुआ तो लमसम में आप अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो, और नहीं हुआ तो आपका SIP तो चल ही रहा है। देखो, बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जो अपने पोर्टफोलियो में सिर्फ स्मॉल कैप मिड कैप का ही फंड रखते हैं। मैंने इन्वेस्टर को कई बार बताया है कि देखो, आपके पोर्टफोलियो में अगर ज़्यादा रिटर्न चाहिए, जी हाँ, थोड़ा आपका रिटर्न का फिगर 2-3% से ज़्यादा चाहिए, तो मिड कैप और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को ज़रूर जगा दो। ऐसा नहीं कि सिर्फ लार्ज कैप के साथ आपको जाना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ स्मॉल कैप के साथ ही आपको यहाँ पे कंटिन्यू करना है। कई बार मैंने इन्वेस्टर को बताया, और मैं कई ऐसे पोर्टफोलियो देखता हूँ सिर्फ स्मॉल कैप में पैसा लग रहा है, सिर्फ यहाँ पे स्मॉल कैप में पूरा 100% पैसा लगाती है। दूसरा गलती क्या करते हैं इन्वेस्टर, जानता हूँ, कई बार इन्वेस्टर को बताया हूँ कि अगर आपको अपने पोर्टफोलियो में ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो मिड कैप और स्मॉल कैप का एलोकेशन चाहिए, लेकिन अपने रिस्क के अकॉर्डिंग लो एलोकेशन। ये नहीं कि मेरा रिस्क अलाउ नहीं करता और मैंने तो 90% का एलोकेशन सिर्फ मिड कैप और स्मॉल कैप में कर दिया और कंटिन्यू करो। आप अपने प्रोफाइल को पहले समझो कि मैं कितना रिस्क ले सकता हूँ, और रिस्क ले भी रख सकता हूँ तो नुकसान हुआ तो क्या मैं उस नुकसान को सह सकता हूँ, मेरे में वो कैपेबिलिटी है या नहीं। अगर नहीं सह सकते हो तो अपने मिड कैप और स्मॉल कैप के एलोकेशन को कम करो। कई ऐसे इन्वेस्टर भी हैं, पैसा लगा रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं, लेकिन गलती क्या करते हैं, सिर्फ पैसिव इंडेक्स फंड पे डिपेंड हो जाते हैं। स्मॉल कैप के जो पैसिव इंडेक्स फंड है उसी में पैसा वो लगाते जाते हैं। देखो, जब आप स्मॉल कैप का रिस्क ले रहे हो, जब आप मिड कैप का रिस्क ले रहे हो, तो पैसिव इंडेक्स फंड में हम क्यों लगाएं, जहां पे रिटर्न आपको एक्टिव फंड से कम देखने को मिल सकता है। देखो, मैंने कई ऐसे रिसर्च किए हैं, जो स्मॉल कैप एक्टिव फंड है, जो मिड कैप एक्टिव फंड है, वो आपको ज्यादा पैसा बना के दे सकते हैं कंपेयर टू जो आपका स्मॉल कैप पैसिव इंडेक्स फंड है और मिड कैप पैसिव फंड्स हैं, उससे ज्यादा पैसा लंबे समय में बन सकता है। तो एक्टिव फंड में आप डिपेंड रहो, अगर आप स्मॉल कैप और मिड कैप में पैसा लगा रहे हो तो एक्टिव फंड में डिपेंड रहो। हाँ, लार्ज कैप के लिए आप यहाँ इंडेक्स फंड पे डिपेंड हो सकते हो,
जी हाँ, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप के लिए कभी भी पैसिव फंड्स पे आप डिपेंड मत रहो। रिस्क आप उतना ही ले रहे हो, लेकिन आपको रिटर्न लंबे समय में कम देखने को मिलेगा। आप सिंपल कंपेयर करना, कोई भी इंडेक्स उठाना, स्मॉल कैप का इंडेक्स और किसी भी फंड से आप 10 साल 15 साल का कंपेयर करना, आपको अंदाजा चल जाएगा कि एग्जैक्टली कहाँ सबसे ज़्यादा पैसा बना है लंबे समय में। लेकिन कैसे इन्वेस्टर को स्मॉल कैप और मिड कैप से दूरी बना के रखना चाहिए? मार्केट अच्छे लेवल पे ट्रेड कर रहा है, ऐसा नहीं कि मार्केट में दबाव है। मार्च के बाद देखोगे तो अच्छा खासा रिटर्न दिया है। अब यहाँ पे अगर आपको अगले साल पैसा निकालना है, अगले साल आपका गोल कंप्लीट हो रहा है, कम से कम 1.5 साल का ड्यूरेशन बच रहा है, तो मिड कैप और स्मॉल कैप में एलोकेशन ना बढ़ाओ। ये सही समय है, मार्केट ने आपको यहाँ पे एक अलर्ट दिया है कि मैं कभी भी गिर सकता हूँ, आपको कभी भी नुकसान दे सकता हूँ। इस अलर्ट पे आप यहाँ पे संभल जाओ अगर आपको अगले साल पैसा चाहिए। जी हाँ, 1.5 साल 2 साल का समय बचा हुआ है, अपने मिड कैप और स्मॉल कैप में पैसा नहीं लगाना है। और अगर आपने लगा भी रखा है तो धीरे धीरे उसके एलोकेशन को कम करो, धीरे धीरे उस रिस्क को मिनिमाइज करो। आप किसी दूसरे फंड में पैसा ट्रांसफ़र करो या फिर डेब्ट में धीरे धीरे ट्रांसफ़र करो। अब समय आ चुका है, आप अपने पैसे को समेटना स्टार्ट करो, क्योंकि यहां पे अगर अपने रिस्क के दरवाजे को खोल के रखोगे तो कभी भी नुकसान ज्यादा हो सकता है। मैं इन्वेस्टर को यह भी बताना चाहता हूं, आपको गलती नहीं करना है। कई ऐसे इन्वेस्टर हैं जो अपने इमरजेंसी फंड को भी स्मॉल कैप और मिड कैप में ट्रांसफर कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं पिछले 1 साल में अच्छा खासा पैसा बना है, देखो 40% का रिटर्न मिल रहा है, तो हम 6 महीने 7 महीने के लिए पैसा रख देते हैं, 10% का भी रिटर्न मिल गया तो हमारा तो इमरजेंसी फंड बड़ा हो जाएगा। लेकिन वो उल्टा भी हो सकता है, वो गिर भी सकता है। और स्मॉल कैप और मिड कैप इमरजेंसी फंड के लिए नहीं है। इमरजेंसी फंड के लिए आप लिक्विड फंड का सहारा लो, ओवरनाइट फंड का सहारा लो, यहाँ पे डेब्ट फंड का सहारा लो। स्मॉल कैप और मिड कैप में पैसा लगा के आप ये सोच रहे हो कि कभी भी इमरजेंसी में विड्रॉ करूंगा, तो मैं आपको एक पॉइंट से यहाँ सतर्क कर देता हूँ। एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप यहाँ पे 70,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो, कभी पैसे का ज़रूरत हुआ तो हो सकता है कि वो 60,000 भी होगा, वो 55,000 भी होगा। स्मॉल कैप और मिड कैप आपके इमरजेंसी फंड के लिए नहीं है। स्मॉल कैप मिड कैप 1.5 साल 2 साल इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए नहीं है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन यहाँ पे 5 साल से कम है तो कभी भी यहाँ पे मिड कैप और स्मॉल कैप पे अपना पूरा फोकस ना करो। हाँ, आप काफ़ी अग्रेसिव इन्वेस्टर हो, आप रेडी हो, मेरा पैसे में नुकसान हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं रिस्क ले सकता हूँ, मैं काफ़ी अग्रेसिव इन्वेस्टर हूँ, मेरा यहाँ पे लाइबिलिटीज़ कुछ नहीं है, जी हाँ, और रिस्क का पैरामीटर मैं यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा ले सकता हूँ, वैसे स्थिति में वो इन्वेस्टर यहाँ पे कुछ एलोकेशन के साथ प्ले कर सकते हैं। सारे पॉइंट को समझो। देखो, मार्केट आपको अलर्ट देता है और वाकई में आपको हर एक कैप के इम्पोर्टेंस को समझना पड़ेगा। आपका क्या राय है इस वीडियो को लेके कमेंट बॉक्स में जरूर आए। आने वाले समय में बहुत सारी वीडियो लेके आऊंगा। एक हम्बल रिक्वेस्ट, अभी तक चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, लाइक और शेयर तो भी स्टार्ट करें। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।